हेलो स्टूडेंट्स आम रृत इंदौलिया योर निट केमिस्ट्री में और स्टूडेंट्स अब अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका नेक्स्ट पार्ट आफ्टर द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी दैट इज अबाउट द बोर्ड सैटमिक मॉडल अब इस बोर्ड सैटमिक मॉडल के अंदर फिर से आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ने जाओगे यहाँ आप हाइड्रोजन की भी बात करेंगे ऑर्बिट्स की भी बात करेंगे रेडियाई की भी बात करेंगे यानी कि अगर मैं कहूँ तो पुराने वाले पार्ट से हमें बिल्कुल भी इसको रिवील नहीं करना है एकदम नया कॉन्सेप्ट है तो बड़े ही ध्यान से समझना है सो गेट रेडी विद योर नोटबुक एन पेन एंड योर फेवरेट्स माइल लेट्स बिगिन विद नेक्स्ट पार्ट दैट इज अब द बोर्स एटोमिक मॉडल अब देखो सबसे पहले बोर्स एटोमिक मॉडल के अंदर मैं तुम्हें बताती हूं क्या सबसे पहले कि जो ये हैं साइंटिस्ट जी अब ऐसा कि क्लियर ही लिखा है एटमिक मॉडल यानी बात तो एटम की ही है और एटम फिर से वही याद आ जाना चाहिए न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन 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 और यहां प्रोटोन प्लस न्यूट्रॉन ये बात तो हमें अब बहुत अच्छे से याद हो गई है लेकिन यहाँ जो एक चीज़ अब याद रखनी है कि अब हमें ये होल ओवर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को तो एक बार साइड कर देना है यहाँ हमें अब इनके ऑर्बिट्स को लेके कैलकुलेशन करनी है रेडियाय को लेके और ये सारी चीज़ें हम यहाँ पढ़ेंगे कि इसमें बोर्स एटमिक मॉडल में ठीक है अब पहली चीज़ जो इसके अंदर याद रखनी है पेन को करते हैं थोड़ा थिन क्योंकि हमें लिखना है थोड़ा सा और इसको करते हैं थोड़ा सा जूम इन चलिए जाओ तो देखो बोर्स के अंदर बोर एटमिक मॉडल यही बात कर रहे हैं आप इसके अंदर जो एक बात याद रखोगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैं डिस्कस करने जा रही हूं पहली चीज तो क्या कि ये जो है अप्लाई होता है सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्स के ऊपर कह लीजिए तो आप इससे मतलब समझ गए कि सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम्स यानी कि हाइड्रोजन या फिर जिनके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन रहता हो तो मैं कह दूं हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन रिलेटेड जो भी होते हैं ठीक है मतलब वन इलेक्ट्रॉन स्पैशीज यहाँ पर होनी चाहिए ठीक है बात तो ये बात समझ में आ गई अब दूसरी चीज़ यहाँ हम जो देखेंगे हमें यहाँ इनके बीच में देखना है सम हाउ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन क्योंकि हमें होल ओवर फोर्सेज यहाँ डिस्कस करनी है तो बात समझ में आई कि बोर एटमिक मॉडल के अंदर कोई भी अब लाइट और वेव पार्टिकल नेचर डिस्कस नहीं करना है वो हमारा प्लैंक्स तक था यहाँ हमें पूरी की पूरी स्टडी इस एटम के ऊपर करनी है तो स्टार्ट करें चीज याद रहेगी कि किसके लिए सिंगल इलेक्ट्रॉन एलिमेंट या स्पैशीज के लिए ये काउंट होगा तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला बता रही हूं जिससे आप कंफ्यूज नहीं हो और याद भी रहेगा तो आ जाओ देखिए यहां मैंने लिखा है पहला फॉर्मूला क्लांबिक फोर्स तो उसका फॉर्मूला क्या होता है दैट इज के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर आपको पता है क्यू आर द चार्जेस एंड आर इज योर रेडिया यही होती है और के क्या हो गया कांस्टेंट ये लो, ठीक है इसके बाद हम बात करेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की जो कि होती है एम वी स्क्वायर बाय आर वी इज योर विलॉसिटी आर अगेन एंड रेडियस ठीक है एंड एम इज योर मास और यहां एंगुलर मोमेंटम इज एम वी आर तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज मैंने तुम्हें लिख के दिए हैं जो एक बार के लिए दिमाग में रखना क्योंकि बीच बीच में मैं अप्लाई करूंगी वहाँ रिलेट करके भी बताऊंगी बिल्कुल हम उसको ड्राइव करेंगे तो अब इनको याद रखना कोलाम्बिक लैम्बिक फोर्स इज के इज इक्वल्स टू सॉरी इज इक्वल्स टू के क्यूवन क्रिएटिव अपन आल स्क्वायर सेंट्रिफिकल फोर्स इज एम वी स्क्वायर बाय आर एंड द एंगुलर मोमेंटम इज एम वी आर यहां तक बात समझ में आई अब देखो अब मैं आपसे एक चीज बताती हूँ इट इज़ अ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल कौन है ये बोर एटॉमिक मॉडल ये किस पे है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है क्योंकि ये मॉडल बेस्ड है क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन और क्लासिकल लॉ ऑफ फिजिक्स पे ये क्वेश्चन पूछा गया है बेटा इट्स इन थ्योरिटिकल आस्पेक्ट बट हाँ जी एग्जामिनर ने पूछे हैं कि ये जो मॉडल है वो किस पर बेस्ड होता है तो आप कहेंगे इट्स टोटली बेस्ड ऑन क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन एंड क्लासिकल लॉ ऑफ फ़िजिक्स ठीक है अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉस्टिलेट वन टू वन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी जिससे इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा और बड़े ही ध्यान से वन टू वन पॉस्टूलेट को सुनना क्योंकि पोस्टिलेट से पूरा डेरिवेशन है चलो पॉस्टिलेट नंबर वन पॉस्टिलेट वन क्या कहती है एटम हैज न्यूक्लियस यस वी ऑल नो दैट एटम हैज न्यूक्लियस दिस वेयर ऑल प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट यानी कि इसके अंदर कौन कौन रहते हैं प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन चलो, पे आपको इट प्रेजेंट है सेंटर में ही प्रेजेंट है तो सेकेंड पॉइंट भी एप्लीकेबल होता है बिल्कुल अभी तक हमने यही पढ़ा था चलिए सेकेंड फेस्टिलेट क्या कह रहा है सेकेंड फर्स्टिलेट आपको कहता है नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स अब ये तो पता ही है ना इलेक्ट्रॉन्स अलग से नेगेटिव चार्ज थोड़ी ले रहे हैं क्या इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है नहीं हमें हमेशा से पता है इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स सो आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन द सेम वे हेर इज यो न्यूक्लियस जो सेंटर में होता है स्मॉल पार्ट होता है और इन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं ये न्यूक्लियस के सराउंड करते हुए क्या करते रहते हैं रिवॉल्व करते रहते हैं कैसे जैसे प्लानिट सन के अराउंड, ठीक है द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज सर्कुलर अब बात देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे दे आर ऑलवेज इन सर्कुलर मोशन तो बात समझ में आ गई यहां पर ही रदरफोर्ड ने जो गलती की थी उसी ड्रॉबैक को इन्होंने यहां कवर किया मिस्टर बोर ने रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन हैं, वो एक एसिलरेटेड मोशन में होते हैं कहा था या नहीं मैंने पढ़ाया भी था रदरफोर्ड जी ने कहा कि ये तो एसिलरेटेड मोशन में होते हैं ये कहा था रदरफोर्ड ने और इसी वजह से ये क्या था ड्रॉबैक इसी को कवर किया मिस्टर बोर ने और उन्होंने कहा नहीं इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज इन द सर्कुलर मोशन ठीक है देन द अट्रैक्शन फोर्स कौन सी है वो अट्रैक्शन फोर्स इधर कूलॉबिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक अभी कूलाम्बिक का फॉर्मूला बताया बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन क्या फिर से देखिए द अट्रैक्शन फोर्स जिसे आप लांबिक और फोर्स कह रहे हैं न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में इक्वल होगी किसके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के तो इसको एक बार समझ लें क्या है मेरे कहने का मतलब आओ इसका मतलब है कि जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस की तरफ सी दिस अट्रैक्शन टू वर्ड्स न्यूक्लियस अट्रैक्शन हेयर इज माई सिंबल इसको ध्यान से देखो क्या कहा मैंने अट्रैक्शन टू वर्ड्स न्यूक्लियस इज इक्वल्स टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम न्यूक्लियस देंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम न्यूक्लियस समझ जाओगे इस बात को तो देखो इसका कहने का मतलब क्या है फिर से पेन करते हैं थिन क्योंकि अब करना है लिखने वाला काम आओ समझते हैं इस बात का मतलब साइड में दिख तो रहा ही है चलो आ जाओ मैंने क्या कहा अभी आपसे कि जो सेंट्री फ्यूगल फोर्स है दैट इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यही बात कही गई है तो क्या इसको अगर मैं पॉस्टूलेट के अकॉर्डिंग रखूं तो क्या आप यही रखेंगे एम वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल्स टू वट कूलाम आपने जो कहा कि कूलाम्बिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाती है और मैंने अभी फॉर्मूला बताया क्या था कि क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर कर दिया हम लोगों ने अपनी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हमने कुलाब्यूक फोर्स के इक्वल रख दिया यही हमें फॉर्मूले में कहा गया जहाँ पर ये क्या है जीडी और ये हमारा सिंपली क्या हो गया इलेक्ट्रॉन का चार्ज कोई दिक्कत नहीं है ठीक है अब अगर इसी को मैं फिर से बात करूँ तो आपने कहा एमवी स्� कैसे आया ये तो अब मेरी बात सुनना ये ऐसे आया कि यहाँ सबसे पहले तो आपने इसको रिजेंबल किया अब मैं आपसे कह रही हूँ कि जब इसका रोटेशन है एक सर्कुलर मोशन में तो वहाँ पे वो कुछ ना कुछ चार्ज भी कैरी करता है ये बात हम डिस्कस करेंगे अभी पॉस्टुलेट में भी ठीक है पहले एक बार इस पार्ट को समझो फिर मैं इधर इसका ब्रीफिंग भी करूँगी तो मेरी बात समझ में आई पहले पोस्टलेट के अकॉर्डिंग फर्स्ट सेकंड पोस्टलेट के अकॉर्डिंग हमने इस चीज़ को पुट कर दिया दिस इक्वल्स टू दिस देन मैंने कहा कि यहाँ पर ये जो चार्ज है क्या मैं इसको होल ओवर ऐसे भी लिख सकती हूँ बिल्कुल लिख सकती हूँ मैंने लिख दिया तो अब अगर मैं कहूँ कि एम वी आर इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन टू पाई कह दू कह सकती हूं या नहीं बिल्कुल कह सकती हूं क्यों कह सकती हूं क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां रोटेट कर रहा है सर्कुलर मोशन में एक पर. C. Revolve around तो ये बात ध्यान रखना चलो अब इसको से करते हैं इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन मल्टीपल ऑफ एच अपॉन टू पाई अभी देखो यही बताया मैंने क्या मैंने इन दोनों पोस्टुलेट के बाद ये जो लिखा ये थर्ड पोस्टुलेट को असेंबल कर रहा है बिल्कुल रिजेंबल कर रहा है सी कि इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स जिनका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा इंटीग्रल मल्टीपल होगा एच अपॉन टू पाई का तो मैंने वहां पर क्या लिखा एम वी आर इजिकल्स टू एन एच बाय टू पाई ये देख लो बात समझ में आ गई चलो जहाँ पर एन है आपका होल नंबर एच है प्लैंक पाई इज प्लैंग कौन कौन कॉन्स्टेंट है दिस एन ये होल नंबर है एच कांस्टेंट है पाए भी कांस्टेंट है चलो सो एंगुलर मोमेंटम की जो वैल्यूज आएंगी वो कैसी होंगी सी एच अपॉन टू पाए टू एच पॉइंट टू पाए थ्री एच पॉइंट टू पाए फोर एच पॉइंट एंड सो ऑन। इसका मतलब क्या है ये कभी भी फ्रैक्शनल वैल्यूज नहीं हो सकती वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना इस बात को कि आप इनको कभी भी फ्रैक्शनल वैल्यूज के फॉर्म में नहीं लिख सकते दे आर इन टर्म्स ऑफ वन टू थ्री फोर फाइव एंड सो बट नेवर बी फ्रैक्शनल वन पॉइंट फाइव टू पॉइंट फाइव थ्री पॉइंट फाइव ये नहीं होगा समझ गए दीज आर ऑलवेज इन द इंटीजर नंबर्स चलो नेक्स्ट फोर्थ पर्स्ट क्या कहता है द ऑर्बिट्स इन विच इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व आर नोन एज स्टेशनरी ऑर्बिट्स ये इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं तो ये कहते हैं कि ये जो ऑर्बिट्स हैं ये स्टेशनरी ऑर्बिट्स हैं ऐसा नहीं यहाँ से उठे वहां चले गए वहां से उठे वहां चले गए नहीं एक फिक्स पोजिशन पर दे आर रोटेटिंग बिकॉज इन दीज ऑर्बिट्स एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट रीजन क्या है क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी है वो हमेशा ही कॉन्स्टेंट रहेगी बात समझ में आई और रेडियाई भी कांस्टेंट रहेगी अब आपको सबसे पहले ये तीनों फॉर्मुलेशन समझ में आ गई फर्स्ट पॉस्टलेट के अकॉर्डिंग सेकंड के अकॉर्डिंग और फिर हमने थर्ड के अकॉर्डिंग इंटीग्रल मल्टीपल मैप पुट कर दिया इन्हें बिल्कुल दिमाग में रख के चलना लिख लो चाहो तो क्योंकि अब यहाँ से आगे का डेरीवेशनस है इनको यूज करते हुए ठीक आ जाओ यहाँ पहुँच गए हम नेक्स्ट क्वेश्चनलेट क्या कहता है कि ईच स्टेशनरी ऑर्बिट इज एसोसिएटेड विथ डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी देयरफॉर दीज ऑर्बिट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज वॉट एनर्जी लेवल्स यही कहते हो कि ये जो ऑर्बिट्स हैं लाइकवाइज मैं कह देती हूँ शेल्स एनर्जी लेवल्स कुछ भी कह लीजिए तो आप क्या कहेंगे उनको या तो आप उनको वन टू थ्री एंड सो ऑन और यहीं पर आप इनको क्या कहते हैं के एल एम एंड सो ऑन इस तरीके से आप इनको रिप्रेजेंट करते हैं ये जो स्टेशनरी ऑर्बिट्स हैं इनको क्या कहा जाता है एनर्जी लेवल्स नंबरिंग में इनको कहा जाता है वन टू थ्री फोर फाइव एंड सो ऑन एंड इन द अल्फाबेट दे आर के एल एम एन ओ फ्रॉम न्यूक्लियस से बाहर की तरफ तो चलो बात समझ में आ गई नेक्स्ट पॉस्टुलेट देखते हैं द एमिशन और एब्जॉर्बन और एनर्जी क्या कहा है द एमिशन और ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन अभी डिस्कस किया था हमने प्रीवियस सेशन में बहुत अच्छे से याद होगा फोटोन इज एनर्जी पैकेट्स अब एक बात बताओ इन्होंने यहां पर टर्म फोटोन क्यों यूज की है क्योंकि किसके रिस्पेक्ट में है लाइट ठीक है कैन ओनली अगर वेन इलेक्ट्रॉन जम्प फ्रॉम वन स्टेशनरी स्टेट टू अनातर यानी कि अगर मैं कहती हूँ एक इलेक्ट्रॉन इस लेवल से दूसरे लेवल में एक्साइट कर रहा है उसका रीज़न वहाँ पर क्या है जस्ट बिकॉज ऑफ दोज एनर्जी पैकेट्स जिनको आप कह रहे हैं फोटोन तो आप इसको रिप्रेजेंट कैसे कर देंगे डेल ई होल एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट ये लीजिए समझ लीजिए कि मान लीजिए यहाँ मेरे कोई इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन थे लेकिन ये जंप करके इस वाले लेवल पे आ गया तो इसके लिए यहाँ पर ये इसका इनिशियल स्टेट था यहां ये इसका कैसा स्टेट हो गया फाइनल स्टेट और ये क्या कहलाया डेल ई e. बात समझ में आ गई यही कहा है सो एनर्जी इज अब्जॉर्ब्ड वेन इलेक्ट्रॉन जम्प अब जम्प करेगा फ्रॉम इनर स्टेट टू आउटर स्टेट तो वहां पर एनर्जी ऑब्जॉर्ब होगी ही एंड इज एमिटेड वेन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम आउटर टू इनर जब यहां से यहां जाएगा तो एनर्जी ऑब्जॉर्ब होगी यहां से यहां जाएगा तो एमिट होगी इतनी सी बात है क्या कहा मैंने फ्रॉम दिस लेवल टू दिस एक्साइटेशन के दौरान एक्साइटेशन के दौरान क्या होगी एनर्जी अब्जॉर्ब होगी ये लो और जब वो दोबारा अपने स्टेट में आ जाता है तो एनर्जी क्या हो जाएगी एमिट होगी ठीक है जी तो बात समझ में आ गई चलिए नेक्स्ट अब देखो ये शेल्स वाली बात जो मैंने आपको कही थी नंबर में वन टू थ्री फोर फाइव दिस एंड इन द फॉर्म ऑफ दिसमेंट ओ कहा होंगे अवे फ्रॉम द न्यूक्स चलिए अब हमें देखनी है रेडियस वेरियस ऑर्बिट्स की उससे पहले क्या एक बार पॉस्टूलेट रिवाइज कर लें आ जाओ पॉस्टलेट्स कितने थे टोटल जिससे कंफ्यूजन ना हो क्योंकि आगे डेरिवेशन में पार्ट है इसका फर्स्ट पोस्टुलेट ने क्या कहा था फटाफट से बता दो मैं तो नहीं बताने वाली हूँ फर्स्ट पोस्टुलेट ने आपको कहा था बच्चा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल्स टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर यही तो कहा था ये आपका इलेक्ट्रॉन चार्ज था और ये आपका Ze था ठीक है सेकेंड पोस्टुलेट ने आपको क्या कहा था कि क्या मैं इसको Ze लिख सकता हूँ बिल्कुल लिख सकता हूँ ये लीजिए तो आपने इसको कह दिया कि जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर यही कहा था थर्ड के अंदर हमने क्या पढ़ा कि एम वी आर इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन टू पाई यानी कि इंटीग्रल मल्टीपल होगा वो ठीक है सांप यहाँ तक पढ़ लिया फिर देन फोर्थ पर्स्ट में हमने क्या कहा था कि सारी के जो भी हैं न्यूट्रल स्पेश की बात होगी और सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेशीज की बात होगी और साथ साथ हमने पढ़ा कि वहाँ जो है स्टेशनरी ऑर्बिट्स होंगे इलेक्ट्रॉन्स जो रिवॉल्व कर रहे हैं वो कैसे ऑर्बिट्स में होंगे स्टेशनरी ऑर्बिट्स में साथ साथ रिजर फोर्ट का एक और ड्रॉबैक क्लियर किया था वो क्या था दैट द रेडियस इज कॉन्स्टेंट तो पॉस्टुलेट हो गए अच्छे से क्लियर है सारी बातें चलो अब आगे चलते हैं सो एटॉमिक स्ट्रक्चर के में ही हम सारी चीजें बात कर रहे हैं अब बाय कूल्स लो सबसे पहले हम यहां बात कर रहे थे सॉरी फॉर दिस अब हमें पढ़ना है रेडियस ऑफ वेरियस ऑर्बिट्स ऑफ हाइड्रोजन एटम सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात की थी तो अब हम कहाँ अप्लाई कर रहे हैं हाइड्रोजन एटम के वेरियस ऑर्बिट्स में तो सुनिए कंसिडर एन इलेक्ट्रॉन जिसका मास क्या है एम चार्ज है ई e. रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड जिसका चार्ज है जेड ठीक है जहां पर जेड क्या है एटॉमिक नंबर ई इज द चार्ज प्रोटोन एंड विद आर टेंजेंटल वेलोसिटी वी तो इनका कहने का मतलब हो गया ये कि ये रहा इलेक्ट्रॉन ये न्यूक्लियस ये हमारे इलेक्ट्रॉन और टेंजेंटल वेलोसिटी के साथ तो दिस इज योर वी कोई दिक्कत नहीं है सो आर इज़ द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग ये जो है वो रेडियस कहलाएगी ये तो नॉर्मल बेसिक मैथ्स में भी फिजिक्स में भी पढ़ते आए हैं कोई दिक्कत नहीं है तो सबसे पहले आपने टर्मिनोलॉजी समझ ली कि मास इज रिप्रेजेंटेड बाय एम चार्ज इज ई और यहाँ पर न्यूक्लियस के अराउंड कर रहा है तो चार्ज इज जेड सो होल ओवर में आप उसको जेड ई भी रिप्रेजेंट कर लेंगे तो चलो बाई कूलाम्स लॉ क्या था के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर यही था जिसको आप लिख रहे थे के जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर ठीक है तो इसके अकॉर्डिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मूविंग इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस क्या हो जाएगी दिस ये लीजिए यही मैंने लिखा स्क्वायर सो so, क्या यहाँ पर मैं इसको ये भी लिख सकती हूँ के इज इक्वल्स टू के कॉन्स्टेंट की वैल्यू की मैं बात कर रही हूँ वन अपॉन फोर बाय एप्साइलिन नॉट तो ओवर तो ये कॉन्स्टेंट ही है जिसमें एपसाइलिन नॉट आपका क्या है परमिटिविटी होता है फ्री स्पेस का और देखिए अभी ये बताया कि ये जो है आर रेडियस होगी टेंजेंटियल वेलोसिटी होगी सो दिस इज योर टेंजेंट दैट यू आर ड्राइंग फ्रॉम है एंड दिस इज योर मास तो बात समझ में आ गई एम वी आर वाली चले आगे चलो अब देखो अब यहां आपको के की वैल्यू भी पता है कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी नाइन इन टेन टू की पावर नाइन न्यूटन मीटर स्क्वायर कुलम इनवर्स अब सीजीएस में अगर यूनिट्स पूछ ली जाती है तो के की वैल्यू होती है वन डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर दोनों ही इंपॉर्टेंट है याद रखना क्या होगी वन डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर ई एस यू माइनस टू इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट कहते हैं आप इसको अब सुनिए द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो इलेक्ट्रॉन पर एक्ट कर रही है वो आप क्या कहते हैं एम वी स्क्वायर बाय आर पता है तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है बार बार आ रही है ये बात मैंने बता भी दी है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज एम वी स्क्वायर बाय आर सो सिंस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बैलेंस द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फॉर स्टेबल द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट तो चलो आगे क्या तुम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर पाओगे कैसे एम वी स्क्वायर आर ये बात हमने लिखी फिर मैंने यहां पर मुझे क्या करनी है रेडियाई निकालनी है तो अब एक चीज लिख लो ढंग से बिल्कुल ढंग से लिख लो अभी हम क्या निकाल रहे हैं रेडियस निकाल रहे हैं किसकी हाइड्रोजन के वेरियस ऑर्बिट्स की तो जब जब रेडियस आपको निकालनी है क्या कर दोगे वेलोसिटी गायब कर देना बस ये कॉन्सेप्ट लगा देना रेडिया निकाल दोगे ठीक है और जब वेलोसिटी निकालोगे तो जस्ट रिवर्स कर देना इसको गायब कर देना रेडिया को तो फिर वेलोसिटी निकल जाएगी तो समझ गए बात तो अभी पहले क्या निकाल रहे हैं रेडियस तो चलो वेलोसिटी गायब करते हैं तो यहाँ अब क्या करोगे अब आपको पता है ये वाली टर्म यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है अब हमें क्या करना है बोर्स के पॉस्टलेट की तरफ घूमना है फिर से तो बोर के पॉस्टिलेट के थ्रू जो एंगुलर मोमेंटम वाला था क्वांटाइजेशन का तो हमने क्या लिखा था एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई इंटीग्रल मल्टीपल वाले ऑर्बिट की ही बात की जाएगी सो so, हमने ले लिया टू पाई ये तीनों अभी वही चीज चल रही है चलो अब यहाँ से तुमने क्या किया वी इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई एम आर वेल्यू पुट कर दी और होल ओवर में अगर मैं, मैं देख लूँ तो तुमने लिख दिया कि ठीक है हैल अपन फोर पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्कवायर ये आ गई तुम्हारी थर्ड इक्वेशन यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कोई दिक्कत होगी क्योंकि याद आना चाहिए ये वाला कॉन्सेप्ट भी कौन सा जब आप लिख रहे थे आर इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन टू पाए फिर ई होल स्क्वायर इन टू वन बाय एम के जेड इससे निकाल लो ये चीज आ जाएगी यही चीज तो है ये एक्जैक्टली exactly. अब यहां पर अगर मैं तुमसे पूछ रही हूं अभी हमें सिर्फ आर के रिस्पेक्ट में बात चलनी है तो अब आपने यहां से ये भी सॉल्व कर लिया यहां आप जैसे ही इस इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड में इक्वेट करो कौन सी है थर्ड ये वाली और सेकेंड कहाँ गई ये वाली इन दोनों में इक्वेट कर दो इस वैल्यू को इस वैल्यू को जैसे इक्वेट करोगे तो तुम्हारे पास आया ये के जेड ई स्क्वायर अपॉन एम आर एज इक्वल्स टू एन स्क्वायर एच बात समझ में आई किस टर्म में आ रहे हैं यहां पर तुम्हें पता है कि जब कभी भी फ्रैक्शन में बात करोगे सॉरी अगर रेडियस के फ्रैक्शन में बात कर रहे हो तो तुम क्या लिखोगे आर वन बाई आर टू तो क्या हो जाएगा ये एन वन स्क्वायर अपॉन एन टू स्क्वायर इन टू जेड वन अपॉन जेड टू यही तो लिखोगे सॉरी जेड टू अपन जेड वन यही तो लिखोगे और फिर इसको होल ओवर में सॉल्व कर लो यहां आर की वैल्यू तुम्हारी कितनी आ जाएगी जीरो पॉइंट फाइव टू नाइन अभी ये निकालेंगे अपन तो यहां से ये इक्वेट कर दी ये लो वैल्यू आ गई दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करके अब चलो अब हमें क्या करना है आर निकालना है आर के लिए तो यहां तुम्हें पता है ये एच कॉन्स्टेंट है ये कॉन्स्टेंट है फोर पाएम के ये भी कांस्टेंट है ये भी कांस्टेंट है बचा क्या n स्क्वायर बाय z ये बचा अब तुम्हें पता है n क्या है 1 2 3 तो यहाँ क्या करोगे हेंस ओनली सर्टेन ऑर्बिट्स रूट्स रेडि आर गिवन बाय आवर इक्वेशन आर इवेलवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन द ग्रेटर द वैल्यू ऑफ द n ये चीजें तो कांस्टेंट है जितनी ज्यादा n की वैल्यू होगी उतनी ही ज्यादा रेडियस होगी बस ये बात याद रख लो समझ गए सॉल्व कर लिया हमने पूरा की पूरा इक्वेट कर लिया कहीं कोई दिक्कत नहीं आई चेक कर लो पूरा ठीक है खुद से एक बार करके देखना तभी सॉल्व समझ में आएगा और कर पाओगे आ जाओ फिर अब रेडियस जो है स्मॉलेस्ट ऑर्बिट की अगर एन इज इक्वल्स टू वन है हाइड्रोजन एटम के लिए बात कर रहे हैं सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पैशीज है तो तुमने कहा वन तो आर नॉट के रेस्पेक्ट में तो देखो जब ये आर नॉट निकालोगे जीरो ऑर्बिट के लिए बात हो रही है तो तुमने ये स्पेशीज रख दी पूरी की पूरी जो अभी सॉल्व किया था अब क्या करना है ये एच कॉन्स्टेंट ये कॉन्स्टेंट ये सारा के सारा ही कॉन्स्टेंट है ठीक है ये कॉन्स्टेंट तो वैल्यू रख दो इनकी वन एन क्या है तुम्हारा वन दे रखा है एन स्क्वायर है तो वन स्क्वायर फिर एच की वैल्यू प्लैंक कॉन्स्टेंट की वैल्यू है ये सिक्स मैं यहाँ लिख देती हूँ ये लो h इज इक्वल टू सिक्स पॉइंट सिक्स टू सिक्स की पावर माइनस थर्टी फोर ठीक है इसके बाद पाई की वैल्यू क्या होती है थ्री पॉइंट वन फोर इसके बाद क्या है आपका m m इज नाइन पॉइंट वन टू टेन की पावर माइनस थर्टी वन देन आपका इलेक्ट्रॉन के लिए बात हो गई तो वन पॉइंट सिक्स टू टेन की पावर माइनस नाइनटीन गुलाम्ब देन के की बात कर रहे हैं तो के है नाइन इंटू टेन टू की पावर नाइन सारी वैल्यूज तुमने यहां रख दी तो आपके पास रिजल्टेंट होल ओवर क्या आ गया वो वहां लिखा है मैं यहां लिख देती हूँ एक बार फाइव पॉइंट टू नाइन इंटू टेन रेस्ट की पावर माइनस इलेवन किसके लिए बात हुई है जीरो थार के लिए तो इस तरीके से कर लोगे सॉल्व

मुझे ये बताओ अगर मैं इसके ग्राफ की बात कर लू तुमसे एक ग्राफ बना के देख लेते हैं ठीक है मैं बना रही हूँ आर एन और जेड के बीच में रेडियस और z के बीच में ग्राफ बनाया जा रहा है तो मुझे फटाफट से यह बता दो तुम कि यहाँ पर यह रेक्टेंगल हाइपरबोला किस टर्म में आता है कि मैं एक्सिस पे क्या लूंगी यहाँ मेरी टर्म क्या होगी Y इज प्रोपोर्शनल टू R यही होगी साथ साथ आप क्या कह रहे हैं कि z के रिवर्स में ले लीजिए मीन्स r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z तो आप कहते हैं ये क्या आता है रेक्टेंगुलर हाइपर बोला ये लीजिए ये हो गया आपका स्लोप तो ये एक और ग्राफ अगर मैं खींच लू खींच लू खींच लो

आर एन और एन के बीच में रेडियस ऑफ नंबर ऑफ मोल्स के बीच में तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये लो y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर कोई दिक्कत है नहीं होगी यहाँ पर y कौन से एक्स पे आएगा y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर मैंने दिया है तो आपको पता है कि यहाँ पर x एक्सिस और y एक्स पर कौन कौन है y एक्स इस पर है r और x एक्सिस पर कौन है एन स्क्वायर जिस तरीके से सॉल्व कर लोगे कोई दिक्कत ही नहीं है ये लो तो ग्राफ भी बना सकते हो आराम से बात समझ में आ गई सारी की सारी चलो नेक्स्ट कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अब आपने वो पूरा सॉल्व कर लिया अच्छे से आप कैलकुलेशन द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी के ई प्लस पी ई तो कहते हो ई इज़ इक्वल्स टू के ई प्लस पी ई अब बस दोनों के फॉर्मूले पता हो बात कोई दिक्कत है नहीं तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है इलेक्ट्रॉन के लिए हाफ एम वी स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी का क्या है इंटीग्रल कोलाम्बिक फोर्स इनटू दिस तो चलो पुट कर लेते हैं एक की वैल्यू इज इक्वल्स टू दिस आपने रखा के जैडी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर डिफ्रेंशिएट करना है माइनस के जैडी स्क्वायर अपॉन आर अब टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी इसमें से इसको माइनस कर दो यही तो करोगे टोटल एनर्जी इक्वल्स टू कडेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी क्या कर रही हूँ मैं अरे यार ये किसने चलाया ठीक है तो ये दोनों वैल्यू रख दो हाफ एम वी स्क्स माइनस के जेडी तो प्लस हो गया वो तो तो ये मैथ्स है, one, हमें पता है MV square R कोई दिक्कत नहीं simple है सिंपल है बेसिक एकदम अब इन इक्वेशंस को हमें फोर्थ इक्वेशन में प्लेस करना है तो आपकी टोटल एनर्जी क्या आ जाएगी देखो ये रही फोर्थ इक्वेशन ये वाली इनको पुट कर दो उसमें तो आपके पास रिजल्टेंट आया के जेडी स्क्वायर आर अपॉन टू आर माइनस के जेडी स्क्वायर अपॉन आर टू आर यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो होल ओवर आपके पास आ जाता है माइनस दिस वन है ना आओ अब अब आर की वैल्यू निकालनी है फिर से वही सेम चीज है आर की वैल्यू निकाल दो इज इक्वल्स टू तो क्या हो गई दिस टू पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर ई फोर के टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अब एन पता है क्या होगा वन टू थ्री सारे के सारे कांस्टेंट हैं ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट बच्चा क्या जेड स्क्वायर बाय

ठीक है क्या हो जाएगी आर्क पर एटम जूल पर एटम आर्क से जूल में कन्वर्ट कर दो बताया था इनिशियल में ही 12 की जगह क्या हो जाएगा 19 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर निकालनी है तो दिस इज माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम ये लीजिए तीनों वैल्यूज भी सामने गिवन है और ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसलिए मैं इसको फिर से ज्यादा ब्रीफ नहीं कर रही हूँ चलो अब लो कैलोरी पर मोल्स में भी निकाल सकते हैं तो मल्टीप्लाई कर दो। इलेक्ट्रॉन इज लेस देन एनर्जी ऑर्बिट की एनर्जी लेस देन होगी फ्री इलेक्ट्रॉन से दैट इज द इलेक्ट्रॉन इज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्स इज जीरो सो द लोएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ नॉर्मल थ्योरी है सो बिकम्स लेस नेगेटिव जो हमने सारी बातें कर ली हैं वही थ्योरी में लिखा है अब अगर एन इनफाइनाइट है और ई जीरो है तो ये किसके लिए होगा आयनाइज ऐटम के लिए ये बात ज़रूरी सी है जो याद रख लो एन इनफाइनाइट है ई जीरो है तो किसके लिए होगा आयनाइज ऐटम के लिए मतलब कि इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस कैसे होंगे इनफाइनाइटली सेपरेटेड होंगे ये लीजिए चले आ जाओ अब एक वेलोसिटी की कैलकुलेशन और देख लो बहुत सिंपल सी है कैसे करोगे रेडियस के लिए जब रेडियस निकाल रहे थे वेलोसिटी गायब की थी यहाँ किसको गायब करोगे रेडियस को रेडियस गायब करनी है बस कुछ नहीं करना छोटू सा काम है रेडियस बाबू को करना है गायब चलो आ जाओ अब देखो सुनते जाओ यही था एम बी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल्स टू क्या लिखा था के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर लिखा था या नहीं ये थी हमारी पहली इक्वेशन मैं वेलोसिटी रेडियस के रिस्पेक्ट में लिखती जा रही हूँ फिर हम यहाँ से क्या कर देंगे रेडियस को गैप कर देंगे वेलोसिटी आ जाएगी फिर क्या है एम r आर इज इक्वल्स टू एन एच बाई टू पाई इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में बात की थी ये हो गया था सेकंड इक्वेशन फिर हमने यहाँ से आर निकाला तो हमने क्या कर दिया एन एच अपॉन टू पाई एम वी ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ से यहाँ कोई दिक्कत नहीं आई अब इसको इसमें प्लेस कर दो इस वाले पार्ट को इसमें प्लेस कर दो फर्स्ट इक्वेशन में तो लो तुम्हारे पास आ गया एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू के जेड ई स्क्वायर इन टू फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर टू पाई एम वी यही आया अपॉन क्या बच गया एन एच कोई दिक्कत नहीं है यहां से आपने उड़ा दिया आर को तो अगर मैं होलोवर वेलोसिटी की बात कर लूं तो क्या होलोवर वेलोसिटी ये आ गई टू फिर पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन क्या बचा एन एच ये लो निकल गई वेलोसिटी कितनी सी देर लगी

और ये कॉन्स्टेंट कौन बचा z बाई एन और यहाँ पर जो n है वो क्या है वन टू थ्री फोर एंड सो वन ये लो चलो अब इसको देख लेते हैं इन्होंने क्या लिखा है ये निकाल दी हमने वेलोसिटी वी नो दैट एम इज कॉल्स एन एच ओपन टू पाई ये लो तो वी निकाल लिया एन एच ओपन टू पाई एम आर अब इसको सब्सिट्यूट कर दो यहाँ थोड़ा सा डायरेक्ट लिखा है बस टू पाई के जेड ई स्क्वायर ये मैंने ड्राइव करके बता दिया अब ये वैल्यू कैसे आई सारी वैल्यूज लिखवाई थी एच की पाई की एम की इन सब की वैल्यूज के की सबकी वैल्यूज प्लेस करके इसको सॉल्व कर लो ये वेलोसिटी का फॉर्मुलेशन आ गया 2.18 पॉइंट वन एट टू की पावर एट जेड बाय एन सेंटीमीटर पर सेकेंड क्लियर खत्म यहाँ आगे चैप्टर हो जाता है समाप्त वाओ wow. सो so, अब हमारा चैप्टर नहीं होता ये सेशन समाप्त होता है बोर्स एडमिक मॉडल भी आपने बड़े अच्छे से कवर कर लिया और सारी डेरीवेशन समझ में आ गई अब ये डेरीवेशन देखो अभी तो समझ में आ गई एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ एक बार खुद से कॉपी में पहले ही देख देख के लिखना बट एक बार खुद से प्रैक्टिस ज़रूर करना क्योंकि इनके ऊपर बेटा लोग क्वेश्चन ज़रूर आता है आपसे पूरी डिराइव नहीं कर पाता है बीच में से कुछ पार्ट पूछ लेता है तो आपको पता होना चाहिए ठीक है कि हाउ टू कैलकुलेट और बहुत ईजी सा काम है नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ सो so, तब तक थैंक यू सो मच